मैया राधा रानी का प्रसाद है। हमारी फिर से सेवा वही तैयारी वाली जैसे लास्ट टाइम हुई थी पैकिंग वाली, वही दोबारा शुरू करता है। सब लोग बैठे हुए पैकिंग करेंगे, फिर इसके बाद इसको पहुंचाया जाएगा जरूरतमंद लोगों के पास में। महाराज जी तो पूरा जो है साम्राज्य संभालते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आज फिर से महाप्रसादी का आयोजन किया जा रहा है राधा आश्रम मर्दई के द्वारा, और ये साप्ताहिक सेवा हमेशा होती रहती है। तो आज फिर से साप्ताहिक नया सप्ताह है, और नया सप्ताह में फिर से प्रसादी का वितरण का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भी यही सिस्टम है जो पहले था कि ओपन स्टॉल सिस्टम नहीं है, पैकिंग सिस्टम है, और आराम से हम लोग जाएंगे और जिस जो ज़रूरतमंद होगा उसको हम लोग प्रसादी देंगे। और हमारी तैयारी बन चुकी है, और चलते हैं आपको सबसे मिलवाते हैं। और ब्लॉग में नए तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को हमारे। राधे भैया सभी को। आज भी हमारी फिर से सेवा वही तैयारी वाली जैसे लास्ट टाइम हुई थी पैकिंग वाली, वही दोबारा शुरू करता है। और गत सप्ताह जैसे हुई थी सेम उसी तरीके से कुछ लोग आएंगे और वो सप्लाई करेंगे लोगों को जिनकी जिनकी आवश्यकता है। हम लोगों की जो तैयारियां हैं वो मटर छिलना और सब्जियां कुछ मिलना, हर बार का ये प्रयास है कि कोई एक प्रयास से कोई एक साधन से श्री हम लोगों से प्रसन्न हो जाए और अपने पास बुलाए और नित्य सेवा का अवसर प्रदान करें हम सभी लोगों के। हमारे आकाश भाई जो मीडिया हाउस जो हमारा चला रहे हैं, लोकल मीडिया हाउस हमारे ब्लॉगर, इनको भी उतनी सेवा का अवसर मिले, उतनी सेवा की जितना हम सब लोगों को। हालांकि माध्यम तो हमारे आकाश भैया जेठानी जी हैं, तो उनके सानिध्य में हम सब लोग की सेवा कर रहे हैं और ये अनवरत चलती रहे, आनंद आता है, सब लोग इसमें सहयोग करिए, अवश्य शामिल होइए। श्री राधे। ये हमारे अमित भैया हैं जो आज तैयारी बना रहे हैं, और ये हमेशा कुछ ना कुछ सहयोग करा करते हैं राधा आश्रम में। तो अमित भैया कैसा लग रहा है आज की सेवा में आपको, और इससे पिछली बार जो सेवा हुई थी उसमें भी आपने सहयोग करा था? अपनी बार तैयारी रखी थी, हमारी तैयारी है, बस प्रसादी तैयार हो गई, अब बटेगी, जाकर जाओ सभी लोगों को जरूरतमंद है हाँ उनको मिलेगी तैयारी ये आज। और आज हमारा जो टारगेट है वो 1000 पैकेट का है। आज भी तैयारी का है, इसलिए पिछली बार भी तैयारी का ही प्रोग्राम हुआ था हमारा सेवा। तो कैसा लग रहा है आपको? आप तो बहुत देर में आए, कहाँ थे आप पहले ये बताइए। हाँ, हम कहाँ थे, हमारे पास और भी सेवाएं हैं, ठाकुर जी की सेवा ही सेवा है, जिस रूप में कर लो भाई जो है फंड मैनेज करना भी तो सेवा है। हाँ, बाकी हमारे महाराज जी तो यहाँ एक चम्मच महाराज जी संभालने वाले हैं, महाराज जी तो पूरा जो है साम्राज्य संभालते हैं। ये तो एक टहरी खिचड़ी, ये महाराज जी की बात कर रहे हैं, द्वारकाधीश महाराज की बात कर रहे हैं। नहीं, यही महाराज जी है, यही महाराज जी है जो मतलब मेन महाराज तो यही है, मेन महाराज जी है, हमारे दिखते थोड़ना है, वो तो सुप्रीम महाराज जो हमारे दिखता नहीं है, ये महाराज जी दिखता नहीं है, हमारे महाराज जी इसलिए महाराज जी करके ऐसा कर दिया कि राहुल चौधरी तक चौंक गया कि कौन महाराज जी आ रहा है, जब देखा तो खड़े हुए ये महाराज जी आदरणीय महाराज जी। ये हमारी तैयारी बन चुकी है और इस प्रकार से दिख रही है, और महाराज जी जा रहे हैं भोग लगाने के लिए राधा रानी के पास। जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे श्याम राधे। और हम लोग यहाँ बैठ के भगोने में तैयारी रखी हुई, इसको पैक करने में शुरू हो गए, देखिए सब लोग बैठे हुए हैं, पैकिंग करेंगे फिर इसके बाद इसको पहुँचाया जाएगा जरूरतमंद लोगों के पास में। हाँ, देखिए राधा आज में चल रही है, इसको पैक कर रही है, देखिए अली नहीं बनाया गया, हमारे भैया और ये अरुण भैया भी साथ में, और डॉक्टर साहब भी राधे, सभी लोग इस सेवा में सहयोग दे रहे हैं और आनंद ले रहे हैं सेवा का, सहयोग है और निरंतर ये सेवा होती रहती है आश्रम में।
हाँ प्रसाद है भैया, प्रसाद है ये राधा आश्रम रसोई की तरफ से दिया जा रहा है, रात में इनको आवश्यकता हो वो भोजन ले सकते हैं। और हमारा एक भगोना बट चुका है और दूसरा ये भगोना आ गया है। अरे तेहड़ी का चलिए कैसा लगा आपको आज की सेवा में? बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई है और ऐसा लगता है कि ये राधा रानी की साक्षात कृपा है जो हमको ये भाव और ये सेवा करने का मौका मिला है। चलिए हम और लोगों से आकाश भैया कैसा लगा आपको बताइए, मेरा पैकिंग करा आपने दो भगोने और आनंदी आनंद आ रहा है, अभी दो भगोने और है आज सेवा दे चलेगी और जल्दी। हमारा टारगेट 500 का था, इस बार हमारा टारगेट 1000 का है, तो अभी हमारे 500 बच चुके हैं डिब्बे, 500 बाकी है। दो भगोने अभी तो तैयार हो गए, हमारी गैस कम हो गई है, गैस भी हमारी कम हो गई है, उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। और राधा आश्रम से अगर आप जुड़ेंगे तो हर एक चीज़ की व्यवस्था हो जाती है, ठाकुर जी है वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर देते हैं, किसी ना किसी तरीके से बनाएंगे। इधर हमारे किशन भाई साहब है, कैसा लगा? इसमें कितने किलो गैस बची होगी, कैसा लगा बताइए? 1 किलो भी नहीं है। बताओ भाई कैसा लगा आज की सेवा में? बहुत ही अच्छा लगा, हमारे दादा का जो प्रसाद वितरण किया हम लोगों ने बहुत ही अच्छा लगा है, और ये अक्सर राधा रानी के पास हम लोग हमेशा मिलता रहे, हमारे बड़े भाइयों का आशीर्वाद उनके हमेशा बना रहे। ये राधे 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 राधे। और कोई है भैया? भैया प्रसादी ले लो, भोजन जिसको गर्मा गर्म तैयारी करनी है ले लो भैया, राधा रानी का प्रसाद है, ले लो प्रसाद, ले लो और ले लो। चलो जय जय श्री राधे। हम लोग स्टेशन पे आ गए, भैया लो। तो दोस्तों आज जो आज की प्रसादी थी उसमें आज 4 भगोने की तैयारी बनी और बांटा गया। पिछली बार जो टारगेट था हमारा वो 500 पैकेट्स का था, लेकिन इस बार हमारा टारगेट थोड़ा सा और हाई हो गया, इस बार 1000 से 1200 पैकेट बांटे गए, तो इसलिए बहुत लेट हो गया और बहुत आनंद आया इस सेवा में। और अब अगले हफ्ते हम लोग जा रहे हैं बरसाना और आपको वहीं पर मिलते हैं, और मिलते हैं इसी सर नए ब्लॉग में। जय श्री राधे।